अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम फातिमा रो प्राइमरी स्कूल किरापुरा औरंगाबाद के तालिबात आज आपके सामने सोलर एनर्जी के बारे में मालूमात पेश कर रहे हैं। उदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फबियाकी आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान। तुम अपनी रब की कौन कौन सी नियमतों को झुटलाओगे? बेशक रब कायनात की लाजवाब नियमतों में से हम अल्लामा फायदा उठाते हैं। इन लाजवाब नियमत में से एक नियमत सूरज है। सूरज तवाने का बुनियादी जरिया है। सूरज की रोशनी तवाने का साफ और काबिल तजी जरिया है। ये एक ना खत्म होने वाला जरिया है, जबकि अमूमन इस्तेमाल होने वाले कोयला और गैस काबिल तजी और महफूज जराए नहीं है। एक दफा खत्म हो गए तो बाकी नहीं बचते। की नकल व हरकत का खास निशा तवानाई पर है। आज जिस बड़े पैमाने पर तवानाई का इस्तेमाल हो रहा है उसका खदशा यह है कि तवानाई की ज़खायर बहुत दिनों तक हमारे साथ नहीं दे सकेंगे। तवानाई की ज़खायर और ज़राए माहौल को भी आलूदा कर रहे हैं। हमें तवानाई के नए मुतबादिल तलाश करने होंगे ताकि तवानाई के साथ साथ माहौल को भी आलूदगी से बचाया जा सके। और ये तभी मुमकिन है जब हम तेल, कोयला, लकड़ी और गोबर के अलावा धूप, हवा, पानी और दीगर तवानाई के कुदरती ज़राए का इस्तेमाल करें। शमसी तरक्की के मदाइश तय करते हुए आज हमारा मुल्क रिवायती तवानाई के मैदान में दाखिल हो चुका है। सबसे पहले हम अपने घर पर नजर डालें और देखें क्या शमसी तवानाई से वास्ते करने जा रहे हैं। चाहे खाना पकाना हो, पानी गर्म करना हो, गैस, फ्रिज, ओवन, वॉशिंग मशीन, इस्तरी, घर मकान को ठंडा गर्म रखना हो, ये तमाम काम आज शमसी तवानाई के जरिए अंजाम पा रहे हैं। घरों, डेयरियों, कारखानों, होटलों, अस्पतालों में पानी गर्म करने के ऐसे आलात लगे हैं जो 100 लीटर से लेकर 1 लाख लीटर तक पानी गर्म कर सकते हैं। यही नहीं, स्ट्रीट लाइट कारों और दिगर गाड़ियों के आमजर इसी तरह ट्रेनें भी शमसी तवानाई से चलाई जा रही है। ये हैरतनाक तब्दीलियाँ बेशक सांसी तरक्की की मरहून मिन्नत है। जमीन के अलावा समंदर में चलाई जाने वाली बोट भी शमसी तवानाई के जरिए चलाई जा रही है। ऑपरेशन थिएटर में भी शमसी तवानाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह सोलर वेस्ट कॉम्पैक्टर, सोलर ट्रामिफर्स, सोलर साफ पानी के लिए वाटर डिस्टिलेशन भी अब सोलर एनर्जी पर काम कर रहे हैं। सूरज की शुआओं से पैनल के जरिए हासिल होने वाली एनर्जी से खेतों में वाटर पम्प भी नस्ब किए जा रहे हैं। अभी आपने सोलर एनर्जी के आम जिंदगी और सनत व उर्फत में हो रहे इस्तेमाल देखे। आइए अब हम मालूमात हासिल करेंगे क्या इस ज़राए का इस्तेमाल करना मौसिर है। आज हमारा मुल्क गैर रिवायती तवानाई के मैदान में दाखिल हो चुका है। सबसे अहम बात, सूरज की धूप अपने आप में आलूदगी से पाक है और बआसानी मैसर है। हिंदुस्तान को ये सहूलत हासिल है कि साल के 365 दिनों में 250 से लेकर 320 दिनों तक सूरज की पूरी धूप मिलती रहती है। दिन में सूरज चाहे 10 से 12 घंटे तक ही हमारे साथ रहे, लेकिन ये हकीकत है कि सूरज की गर्मी हमें रात दिन के 24 घंटे हासिल हो सकती है। इसमें न धुआं है, न कसाफत और न ही आलूदगी। दीगर ज़राए से हासिल तवानाई के मुकाबले में सूरज की रोशनी से 36 गुना ज्यादा तवानाई हासिल हो सकती है। शमसी तवानाई के पैदावार इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी। शमसी तवानाई का इस्तेमाल बिजली की तैयारी के लिए किया जा सकता है। सोलर फोटोवोल्टिक एलपीवी सेल्स के जरिए शमसी शुआएं बिल्लासरी से इलेक्ट्रिसिटी बर्क में तब्दील की जा सकती है। ये तरहशुदा बिजली बिल्लास से इस्तेमाल की जा सकती है या फिर बैटरी में महफूज की जा सकती है। जमाशुदा बर्की तवानाई इस वक्त इस्तेमाल की जा सकती है जब शमसी तवानाई दस्तयाब नहीं होती। एक सवाल हमारे जहन में आता है कि शमसी तवानाई महंगी पड़ती है। अब शमसी तवानाई बहुत अच्छी तरह लोगों की सितात में है। शमसी तवानाई की पैदावार लागत में काफ़ी हद तक कमी आई है। बहुत से मुकामात पर शमसी तवानाई से हासिल की जाने वाली बिजली दूसरे वसाइल से बनने वाली बिजली से सस्ती पड़ती है। सर्दी के मौसम में अगर थोड़ी सी धूप भी हो तो काम चल जाता है। शमसी तवानाई से घरों और कारोबारी इदारों में बनाई जाने वाली बिजली को ग्रिड को मुंतकल किया जा सकता है, जिसके बदले में सार्फिन को तवानाई के क्रेडिट मिलते हैं, जिन्हें सार्फिन सूरज डूबने के बाद बिजली की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। फिर घर से मिलने वाली बिजली को जखीरा करने की टेक्नोलॉजियों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जा रहा है, जिसके नतीजे में जखीरा करने की गुंजाइश बढ़ती जा रही है। सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी हासिल होता है जो जिस्मानी फल की बेहतर कारकर्दगी में अहम किरदार अदा करता है। विटामिन डी हड्डियों की सेहत को बेहतर करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए जिस्म में विटामिन डी की मकदार मुतवाजन होना नहायत जरूरी है। विटामिन डी की कमी की अलामत दुनिया भर में लोगों को मुतासर करती है। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में 13% लोगों को विटामिन डी का सामना करना पड़ता है। इस विटामिन डी की कमी से हड्डियों और सिम तो बहुत सी बीमारी के खतरा बढ़ जाते हैं, जबकि जिस्म को कई न्यूट्रिशंस और मिनरल्स को जज्ब करने में मुश्किल का
सामना करना पड़ता है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। किसी शख्स को विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसे मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इन अलामत उजलात और पट्टों का दर्द, बालों का गिरना शामिल है। रोजनामा लुकमा पेपर भी चला रहना जिसे प्रिंट किया जा रहा है। हम फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल के तलबा तहे दिल से आपके मशकूर ममनून है। क्या आपने अपना कीमती वक्त देकर तवज्जो से हमारी छोटी सी कोशिश को देखकर हिम्मत अफजाई की। थैंक यू।